प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर साथियों अपन यहाँ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले अप्रैल माह के बिल को लेकर जो अपडेट आई वो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। उसके बाद साथियों कि अब तक कितने जिलों का मार्च माह का बिल और पेमेंट है वो पास कर दिया गया है, बिल्कुल मैं आपको ये प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है कि SSO ID में अटेंडेंस यानी अप्रैल माह के बिल को लेकर जो अटेंडेंस का ऑप्शन है उसको हटा लिया गया है, तो इसकी मैं यहाँ पर सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद साथियों एक ही जिलों का अलग अलग बिल पास क्यों हो रहा है, इसकी मैं आपको पूरी सच्चाई आपको यहाँ बताना चाहूँगा। और उसके बाद 9,000-8,000 रुपये का जो पेमेंट आया है वो क्यों आया है, इसका रीजन क्या, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। और साथियों 23 मई को जो उपेन यादव एक आंदोलन करने वाले हैं, तो उसमें क्या बेरोजगारी भत्ता योजना को भी शामिल किया गया है या नहीं किया गया है, और इंटर्नशिप योजना क्या ई स्थगित हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों अपन यहाँ बात कर लेते हैं मार्च बिल को लेकर। तो अब तक साथियों 22 जिलों का ही मार्च माह का बिल पास कर दिया गया है, ठीक है। तो आप ये जिले देख सकते हो, ठीक है। और कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सर कोई यूट्यूबर ये कह रहा है कि 23 जिलों का हो चुका है। साथियों मुझे नहीं पता, मात्र 22 जिलों का बिल पास हुआ है। वो क्या करते हैं, वो मन से बता देते हैं कि भाई 23 जिलों का हुआ है, ठीक है ना। तो वो दिखाएंगे नहीं भाई 23 जिलों का हुआ है, वो ये भी बता देंगे कि भाई 27 जिलों का हुआ है, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, ठीक है। हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाते हैं। इस साथियों बात कर लेते हैं पेमेंट की। तो आप यहाँ देख सकते हो इन जिलों का पेमेंट है अब तक आ चुका है, और ये पेमेंट बिल पास की प्रक्रिया है साथियों, ये कंटिन्यू जारी रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या SSO ID में अप्रैल माह के अटेंडेंस ऑप्शन को हटा लिया गया है। देखो देखो साथियों इसका जो रीज़न क्या है, ऑप्शन को हटाया नहीं गया है, क्योंकि SSO ID जब काम करना शुरू कर देती है तो ऑप्शन आ जाता है, और जब काम करना बंद कर देती है तो कभी मार्च का ऑप्शन चला जाता है और कभी अप्रैल वाला ऑप्शन चला जाता है। तो इस प्रकार की अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। और जो 9,000 रुपये और 8,000 रुपये का पेमेंट किस प्रकार आया है, देखो जिसका फरवरी का पेमेंट नहीं आया था उनका मार्च में, उसको एक साथ ऐड करके आपके अकाउंट में सेंड किया गया, इसलिए 9,000 किसी का 8,000 का आया है। और उसके बाद साथियों अलग अलग बिल पास क्यों हो रहा है, यानी एक ही ज़िला है तो उसका अलग अलग बिल पास क्यों हो रहा है। देखो साथियों इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोई भी ज़िला होता है उसका अलग अलग बिल पास नहीं होता है, ठीक है ना। इतना ज़रूर होता है कि फरवरी का बिल पास मान लो काफ़ी साथियों का, जैसे दोसा वालों का नहीं हुआ था तो उसका मार्च में एक साथ ऐड कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटर्नशिप योजना पर साथियों उपेन यादव 23 मई को जो करने वाले हैं, ठीक है ना, उसमें यदि आप आसपास रहते हैं तो आप ज़रूर जाएं, यदि आप दूर दराज क्षेत्रों से हैं तो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो भाई इंटर्नशिप योजना है वो एकदम से तो स्थगित हो नहीं सकती ना, कोई योजना है उसको स्टॉप होने के लिए साथियों समय की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक अपन सरकार को इस बात का एहसास नहीं करा देते कि ये योजना है बेरोजगारों के लिए ठीक नहीं है, राजस्थान का ये शिक्षित बेरोजगार आज इस योजना से कहीं ना कहीं हताश हो चुका है, मानसिक रूप से परेशान हो चुका है, तो इस योजना को जल्दी से जल्दी स्थगित किया जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि इस योजना को कहीं ना कहीं ये कागज़ों के इतिहास में विलुप्त योजना बनकर ही ना रह जाए, ठीक है। तो जो मैंने आपको सच्चाई थी वो आपको बता दी है, किसी भी साथी को अफवाहों में आने की आवश्यकता नहीं है। और साथियों मैंने उन YouTube चैनलों की वो अफवाहों को बंद करवा दिया जब वो कहते थे मुख्यमंत्री ले रहे हैं आज बैठक, हेड ऑफिस जारी करेगा नए नियम, ठीक है ना, वो सारा मैंने उनका वो काम भी बंद करवा दिया है। नहीं तो साथियों देखो भाई रोजगार कार्यालय तो आपको परेशान कर रहा था, लेकिन कुछ जो यूट्यूब चैनल है वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिमागी रूप से परेशान करने का काम कर रहे थे, क्योंकि वो इतने इतने नियम चेंज करवा दिए उन्होंने कि भाई पूछो मत। कभी वो CM साहब की बैठक बुला देते थे,
तो ऐसे चैनलों पर हम जल्दी ही यूट्यूब टीम से डिस्कस कर रहे हैं और आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेगी।